तो क्या नाम है उसका? नगरी नगरी द्वारे द्वारे, है ना, बुलंद बुंदेलखंड नहीं रहेगा, खंड खंड। तो ये है हमारा जो है मेन उसका टॉपिक। तो इसके अंतर्गत आखिरकार जब हम नगरी नगरी द्वारे द्वारे जब हम ये जाएंगे तो आखिर लोगों से क्या संपर्क करेंगे, उसकी एक मोटिव होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए मोटिव? तो हमारी मोटिव क्या है जिसका जो नाम है वो हमारा मिशन पावर ऑफ शेयर। क्या है मिशन? पावर ऑफ शेयर। तो जो हमारा एक मिशन है, अभी आप लोगों को जो है शायद इस देश के 99% लोगों को शेयर की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। शेयर की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। शेयर वो चीज़ है कि जितना आप अपनी ज़िंदगी में कमाते हो पूरा पैसा, उतना आपको बिना काम किए एक साल में आता है कि नहीं है? वही तो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे आपने सवाल जो किया बहुत अच्छा किया, कैसे, कि जो शेयर होता है वो एक ज़मीन की तरह होता है। क्या होता है? ज़मीन की तरह। अगर आपके पास शेयर है तो बटिया पे दे दो किसी को भी ज़मीन। जो ये शेयर बाज़ार जो है वो बटिया कैसा हिसाब किताब है। तो अभी हम लोग क्या करते, उसके जो शेयर की ज़मीन के मालिक कोई और हैं, लेकिन जो उनका जो शेयर बाज़ार बना उसमें हम पैसा लगाते हैं अपना कि नहीं लगाते हैं, एक जुआ खेलते हैं कि साल भर में इस पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो ये हमारा है कि नहीं लगाते। हाँ, लेकिन मालिक तो वही है। लेकिन क्या किया कि लोगों ने जो है हमेशा आप लोगों को उल्लू बनाया इस देश और दुनिया को। अगर लूटने में सबसे ज़्यादा या गरीब बनाने में सबसे बड़ा रोल है अगर किसी का, तो वो है इंश्योरेंस कंपनियों का। किसका? इंश्योरेंस कंपनियों का। इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं वो पूंजी को इकट्ठा करती हैं तरह तरह का प्रलोभन दे करके, तरह तरह के लॉलीपॉप दे करके। नहीं करते? करते कि नहीं करते? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कंपनियां चल रही हैं इंश्योरेंस कंपनियां ही चल रही हैं। आए दिन देखो ये योजना फलानी योजना ढिकानी योजना, 10 रुपया लगाओ, 20 रुपया लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, मतलब हर तरीके की हर कैटेगरी के कि नहीं है? अरे बीच में तो एक रुपया एक दिन कि नहीं चला? मतलब कितने सस्ते से सस्ते बड़े से, इससे क्या ये क्या है, इससे पूंजी जनरेट होती है लोगों के पास कि नहीं होती? यार हमने जैसे पैसा इकट्ठा करते करते हमने 10 लाख का इंश्योरेंस करा दिया, और उन्होंने कह दिया कि भैया, एक अनुमान में बता रहा हूँ, उन्होंने कह दिया, एक लालच दे दिया कि भैया 15-20 साल तक करते रहो, हम 20 लाख रुपये दे देंगे, 10 लाख का हम 20 लाख रुपये दे देंगे। अब वो आपके पैसे से पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? आप ही बताइए कि जब आपने 10 लाख रुपया लगाया तो क्या वो आपको एक शेयर नहीं दे सकते थे? जब आपने 10 लाख रुपया लगाया, 10-20 लाख रुपया लगाया, 50 लाख लगाया, 1 करोड़ रुपये लगाया, कितना सारा रुपया लगा दिया आपने, उन्होंने कहा हम डबल दे देंगे, खत्म हो गया खेल। और भी तरह तरह के प्रलोभन है, बहुत तरह के प्रलोभन है कि नहीं है? तो इन कंपनियों ने क्या किया कि हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उनके पास पूंजी जनरेट हुई। और पूंजी किसके पास पहुंची? जो हमारा शोषण करते हैं कि नहीं करते? उद्योगपतियों के पास, कॉरपोरेट के पास, जिसकी ये सारा सब गुलाम है उसके कि नहीं है? है कि नहीं है? अब भाई कपड़ा भी उनका, सुई से लगा के एरोप्लेन तक सब उनके, तो वो कहाँ से वसूलेंगे? आप ही लोगों से कि नहीं वसूलेंगे? आपसे कितना वसूल, आपके ही पैसे से आपसे कितना वसूल लिया उन्होंने, और वो रातों रात अरबपति खरबपति बन गए आपके ही पैसे से कि नहीं बन गए? जब आप 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, तो क्या वो आपको एक शेयर नहीं दे सकते थे, परमानेंट शेयर, मतलब जीवन भर के लिए? क्या वो आपके नाम नहीं करा सकते थे? लेकिन उन्होंने कितना छल किया, उन्होंने कहा तुम 10 जमा कर दो, 20 दे देंगे जी। लेकिन उन्होंने, और जबकि उसकी कीमत पता कितनी होती है,
मात्र 10 रुपये, मात्र 1 रुपये एक शेयर की कीमत स्टार्टिंग में। जैसी कंपनी है हमारी, इस कंपनी की शेयर की वैल्यू 1 रुपये से स्टार्ट हुई। 1 लाख की कंपनी है तो 1 लाख शेयर, 10 लाख की कंपनी है 10 लाख शेयर। लेकिन कैलकुलेशन 1 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने 1 शेयर की कीमत जो है 10 रुपये प्रीमियम रेट रख दिया। प्रीमियम रेट कितना रख दिया? 10 रुपये। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। मेरे पास एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट रखा है, मैंने देखा, जानते तो फिर पहले से ही थे कि आपसे करोड़ों रुपए का तो निवेश करा लिया, लेकिन उन्होंने छलिया लोगों ने शेयर नहीं दिया आपको। यार काश अगर वो शेयर दे देते आपको और आपके नाम पे हो जाता वो, तो भले ही बॉन्ड आपका इतने साल तक वो कह देते कि भैया 30 साल बाद इतना लाख रुपये मिलेगा, तो इसके बाद अगले साल भी आप उसके मालिकाना, उस पर आपका मालिकाना हक होता। यानी शेयर की मतलब आप उसके मालिक हैं, और बाजार का मतलब है कि आप मालिक नहीं बल्कि पटिया पे समझो कि जमीन ले रहे हैं, ये है बाजार। तो जब पूंजीपतियों की जब पूंजी चाहिए होती है, बिजनेसमैनों को, कॉरपोरेटों को जब पूंजी चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं? अपने शेयर निकाल देते हैं मार्केट में लिमिटेड टाइम के लिए, और हम लोग जो उस पर पैसा लगा देते हैं अंधाधुंध, इन्हें लगा देते हैं। हेलो जी,